हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईयर 2015 में पूछे गए हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट भी आज हम पढ़ेंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग आंसर भी। तो इसको हम डिटेल में करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा 2015 में इन्होंने कि व्हाट आर एंजाइम्स, नेम एनी वन एंजाइम, किसी भी एक एंजाइम का नाम बताना है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसका फंक्शन बताना है कि वो एंजाइम करता क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं एंजाइम के बारे में बताऊंगा कि एंजाइम जो है, एंजाइम होता क्या है। दोस्तों एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा प्रोटीन। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट प्रोटीन होता है जो क्या करता है, रिएक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, ए क्या होता है, ए बी और सी में टूट जाता है, तो ए को बी और सी में तोड़ने के लिए अगर हम एंजाइम का यूज़ करें तो ये कुछ ही मिनट्स के अंदर ए जो है बी और सी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम यहाँ पे ना हुआ, अगर ए जो है बिना एंजाइम के बी और सी में टूटे, तो इसको कई साल लग जाएंगे टूटने में। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने ए को बी और सी में कुछ ही मिनट्स में तोड़ दिया, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी, ताकि ये एंजाइम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट को जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रेक डाउन कर सके। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक, हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमने खाया तो हमें क्या मिला, स्टार्च। ओके, तो स्टार्च खाया। अब स्टार्च खाया तो हम, वो स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, कई सारे ग्लूकोज में, नंबर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कई सारे ग्लूकोज में बन, क्योंकि स्टार्च जो है ग्लूकोज का मिलके बना हुआ है। ग्लूकोज बन, स्टार्च ग्लूकोज में कब टूटेगा, जब एंजाइम आएगा। बिना एंजाइम के अगर स्टार्च को हम जब खाना खाएंगे तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा तो सही, लेकिन बिना एंजाइम के अगर टूटा तो कई साल लग जाएंगे इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में, तो हमारा खाना पचने में कई साल लग जाएंगे बिना एंजाइम के। तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कुछ ही मिनट्स में तोड़ देगा। तो ये एंजाइम, अब इन्होंने पूछा था एक ऐसा नाम बताना, तो इस यहाँ पे एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, शुगर में, शुगर मतलब ग्लूकोज में, ठीक है। तो अमाइलेज ने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी इस रिएक्शन की, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है वो बढ़ा दी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस दोस्तों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर जो कि वाटर हम जो सॉइल में डालते हैं, या फिर रेन से जो पानी जाता है सॉइल के अंदर, और सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, इन तीनों को मिलने के बाद प्लांट्स खाना बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, तो ये होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इट गिव्स फूड, फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट और वाटर निकला प्लस ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की, इस सब को कंबाइनली हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू द प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स, स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं और परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को, किस टाइम, तो इन्होंने ये पूछा। तो जैसे पहले नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, तो नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है,
नॉर्मल प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो दिन के टाइम लेते हैं, डे ड्यूरिंग डे टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीन्स फोटोसिंथेसिस दिन में परफॉर्म करते हैं, सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, कब? दिन के टाइम। लेकिन लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं है। डेजर्ट प्लांट में क्या है, डेजर्ट प्लांट्स में जो प्लांट है, प्लांट वो क्या करता है, प्लांट रात के टाइम, नाइट, ड्यूरिंग नाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा से जो है अंदर लेता है और उसको रात के टाइम जो है ऑक्सीजन रिलीज करेगा और परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा। स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, डेजर्ट प्लांट के अंदर दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज रहता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है, देखो जैसे डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में डेजर्ट एरिया है तो सूखा एरिया होगा, सूखा एरिया है इसका मतलब पानी नहीं है वहाँ पे, अगर पानी नहीं है तो प्लांट्स को पानी स्टोर करके रखना है। तो दिन के टाइम क्या होता है, नॉर्मल प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन हो जाता है और पानी लॉस होता है, इस पानी के लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटा जो है डेजर्ट प्लांट के अंदर वो स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, पानी बचा रहे, इसीलिए दिन के टाइम पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहते हैं डेजर्ट प्लांट्स के केस में। दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर सेल अंटिल द सन कम्स आउट, तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक सन जो है बाहर नहीं, सन सन सनराइज नहीं हो जाता। दे कैरी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम, और फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे ही करते हैं। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, उसकी बात करें तो डिफ्यूजन इज सफिशियंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। पहले इस बात इसका मतलब समझते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कह रहा है कि डिफ्यूजन सफिशियंट है फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, गैसियस गैस को एक्सचेंज करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए, बट इट इज़ नॉट इन मल्टी सेल, लेकिन मल्टी सेलर में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, जैसे देखो सिंगल सेल में क्या होता है, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा क्या करता है, खाना जब खाना खाना या फिर वेस्ट को रिमूव करना अपनी बॉडी से, या फिर गैसेस एक्सचेंज करना, तो ये जो है डिफ्यूजन से ही होता है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक वो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन जिसमें हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन ये कहता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये अमीबा है, ठीक है, तो जो गैसें एक्सचेंज होती हैं, मान लो इसने ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन कम, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन कम, तो बाहर ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है डिफ्यूजन में, तो क्या होगा, इसकी बॉडी की सरफेस से ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर चली जाएगी, बाहर से अंदर, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई तो गैसेज एक्सचेंज हो गया। ये सिर्फ होता है यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, अमीबा के अंदर। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा कि ऐसा मल्टी सेलुलर के अंदर नहीं होता, इसका रीज़न बताओ, इसका रीज़न क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली उसकी मेम्ब्रेन से, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले लेते, बिकॉज क्योंकि ऑल सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, जितने भी देखो, बिकॉज मैं इसमें बताता हूँ, ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब कई सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म, इसमें हम आते हैं ह्यूमंस। यूनिसेलुलर की जो मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है ऐसे सेल्स की बनी हुई है
जो डिफ्यूजन को अलाउ करवाते हैं, अंदर डायरेक्ट यहीं से ही अंदर बाहर मूवमेंट करवा देते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेलुलर की जो बाहर की, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन में क्या होता है, बाहर जो है, बाहर के जो सेल्स हैं स्किन के, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं करवा सकते। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो डायरेक्ट बाहर से नहीं होती। ऑक्सीजन को पहले हमारे नोज से एंटर करना पड़ेगा, वहाँ से सेल्स में जाना पड़ेगा, उन सेल्स में जाना पड़ेगा जिनके पास डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी है। तो ये रीज़न है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, गैसेज एक्सचेंज और फूड की रिक्वायरमेंट जो है यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन जो है वो सफिशेंट होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन से, खाली डिफ्यूजन से ही कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और लेबल किडनीज, किडनी को लेबल करना है, किडनीज का है। तो दोस्तों एक देख, इसमें क्या है, एक डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है। इसमें किडनी किडनी दोस्तों एक एक चीज़ याद रखना, किडनी जो होती है वो रेट्रो पेरिटोनियल होती है, रेट्रो पेरिटोनियल, पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब किडनी ऐसे तो दिखाई हुई है इसमें, लेकिन होती तो है वो बॉडी से बाहर, स्किन के पास, मतलब बॉडी से बिल्कुल बाहर नहीं, जस्ट सीलोम, ये जो एरिया होते हैं ना जहाँ ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे होती है। रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब होता है कि एक किडनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक बारी अगर किडनी का सेल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनीज, किडनीज को लेबल करना है। तो दोस्तों क्या होता है, ये डायग्राम में किडनी 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 से एक ट्यूब निकलती है, इसमें एक किडनी से एक ट्यूब जिसमें से वेस्ट बाहर आता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर किडनी से आया, यूरेटर यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से वो एक्सक्रीटरी जो और एक्सेसरी ऑर्गन होता है, एक्सेसरी ऑर्गन मेल्स में जैसे पेनिस होता है उसमें यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा वहाँ से वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तीन पूछे थे बोर्ड के एग्जाम में, टमाटो विनेगर और टमारिंड इमली, इनमें एसिड्स के नाम बताने थे कि कौन कौन से एसिड्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले था टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जैलिक एसिड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कई सारे प्लांट्स में पाया जाता है। दीज इंक्लूड जैसे ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोकोआ, चोको पाउडर, नट्स एंड सीड्स, इन सब में जो है वो ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद पूछा इन्होंने विनेगर, विनेगर 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 जो है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन नेचुरली सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा हो गया, जो एक खट्टे फ्रूट होते हैं, एस्पेशली लेमन, लाइम्स, नींबू हो गया, इट वट इट मतलब सिट्रिक एसिड क्या है इसका, मतलब जो खट्टे होते हैं ना, खट्टे टेस्ट में होते हैं, उनमें सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है टमारिंड इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड भी होता है, टार्टरिक एसिड इज अ वाइट कलर का होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, दैट अकर मैनी फ्रूट्स में, ज़्यादातर फ्रूट्स में होता है, नोटेबली इन ग्रेप्स में हो गया जो खट्टे होते हैं ग्रेप्स, बट ऑल्सो इन बनानाज, टमारिंड इमली में और सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। दोस्तों ये थे तीन एसिड्स, अब इस बार इन्होंने टमाटो में पूछा, नेक्स्ट टाइम ये नट्स में पूछ सकते हैं, ग्रेप्स में पूछ सकते हैं, लेमन्स में पूछ सकते हैं कौन सा एसिड होता है, तो ये दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन
तीनों के रोल पूछे थे इन्होंने, इन तीनों के रोल बताने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, विलाई का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है। दोस्तों सबसे पहले मैंने एंजाइम बताया था, एंजाइम जो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं किसी रिएक्शन की हमारी बॉडी के अंदर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, देखो हम खाना खाया, फूड जो हमने खाया उन उसको तोड़ने की ज़रूरत होती है। उस जो हमने फूड खाया उसको, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में जो है तो टूटने की ज़रूरत होती है, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सके। उस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम नीडिड फॉर द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और उस रिएक्शन की स्पीड को जो है इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने हमने कोई भी खाना खाया, हमने खाया पोटैटो, ओके, आलू खाए, आलू के परौंठे खाए, ठीक है। तो हमने पोटैटो खाया, पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है। स्टार्च हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज। ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब क्या होता है, स्टार्च तो अब्जॉर्ब होता नहीं, ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में टूटना पड़ेगा। उस स्टार्च को ग्लूकोज में अगर टूटना है तो कौन हेल्प करेगा, उसको एंजाइम हेल्प करेंगे, एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करेंगे। स्टार्च को ग्लूकोज में टूटने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, स्टार्च को कुछ ही सेकेंड्स में ग्लूकोज में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ताकि ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए और हमें एनर्जी मिल सके। तो जहाँ भी ग्लूकोज की ज़रूरत है वो ग्लूकोज मूव चला जाए किस सेल में, ब्लड के थ्रू। तो उसको तोड़ने में एंजाइम ने मदद किया। तो एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये थे एंजाइम का रोल हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है दोस्तों रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं, हमने खाना खाया कई बार, हमारे खाने में मैक्सिमम जो हमारे खाने में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन जर्म्स को किल करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, इट क्रिएट। और दूसरा क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, एसिड क्रिएट कर, एसिड ये एसिड होता है तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। पेप्सिन, जो कि जैसे पेप्सिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एसिड की ज़रूरत है। तो एसिड, जैसे देखो हमने कोई भी एक प्रोटीन की डाइट ली, प्रोटीन जो है प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ी, तो वो एसिड जो है प्रोटीन को हमारे स्टमक में ब्रेक डाउन करता है। जैसे हमने कोई भी फूड लिया, उसके अंदर प्रोटीन था, ठीक है, उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए, उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जो प्रोटीन का सिंपलेस्ट सब्सटेंस अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन, उस पेप्सिन, ये नॉर्मली हमारे, देखो दोस्तों मैं डिटेल में बताता हूँ इसको, इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे दोस्तों देखो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जिसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करना, जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। ये कौन करता है, इसको इसको कौन सा एंजाइम करता है ब्रेक डाउन, पेप्सिन। लेकिन ये पेप्सिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव होता है, मतलब अभी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एक्टिव होगा तभी प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव तभी होगा जब HCl आएगा हमारी स्टमक के अंदर। तो इस HCl ने इस प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट किया, जब ये एक्टिवेट हुआ तब इसने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है ताकि एंजाइम आगे अपना काम कर सके। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, विलाई। विलाई क्या होती हैं, विलाई जो हैं वो
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्ट, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन देखूं, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन काटूं तो उसमें देखता हूं तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं मेरे को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दे हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब देखो ये कितना एरिया इंक्रीज हो गया इसका, ये एरिया इंक्रीज हो गया इसका एरिया, और अंदर का एरिया इसका और इसका, किसका एरिया ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्प्शन होगी। तो विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये देखो दोस्तों एक विलाई है, अगर मैं एक विलाई की बात करूँ, एक विलाई के अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, खाना आएगा यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज टूटा तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, ये विलाई का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीव्स। गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट्स के अंदर होती हैं सरफेस के थ्रू, किसकी, स्टेम की सरफेस, रूट की और लीव की सरफेस, वो कैसे होती हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। देखो जैसे ये लीफ है, ये लीफ की अपर साइड है, नीचे वाली लोअर साइड है। तो अगर हम देखें लीफ की लोअर साइड के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और लेंटिसेल्स भी होते हैं, स्टेम के अंदर होते हैं लेंटिसेल्स, अगर मैं स्टेम की बात करूँ उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं लेंटिसेल्स, विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे अगर मैं ये स्टोमेटा है इसको मैं बड़ा करूँ तो क्या होगा, ये मान लो ये स्टोमेटा बन जाएगा, स्टोमेटा है, ये एक पोर बन गया स्टोमेटा। तो क्या होता है यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन निकली कार्बन डाइऑक्साइड ली इसमें, तो स्टोमेटा लीव्स के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टेम के ऊपर पोर्स होते हैं इसको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो इनकी मदद से जो गैसेस की एक्सचेंजमेंट होती है तो वो इन पोर्स की मदद से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम। वही रात के नॉर्मल प्लांट्स में रात के टाइम उल्टा होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाती है, बट डेजर्ट प्लांट में नहीं, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, पानी और मिनरल प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय द जाइलम वेसल। जैसे प्लांट्स, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर वेसल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल का क्या काम होता है देखो दोस्तों, अब जैसे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है हमारे पास, यहाँ पे जाइल वेसल्स पाइपलाइन प्रेजेंट होगी, एक पाइप, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम वेसल्स। जाइलम का क्या काम होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना, वाटर को, वाटर हमने सोयल में दिया और ऊपर कैसे पहुंच गया, जाइलम की मदद से जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, क्योंकि हम पानी जो है वो सोयल में डालते हैं, लीफ पे नहीं। दीज आर पार्ट ऑफ द वास्कुलर सिस्टम विच ऑल्सो इंक्लूड, इसमें क्या होता है फ्लोएम भी होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम जो है वो नीचे से ऊपर, जरूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर, मान लो खाना यहाँ पे बना प्लांट का, तो इस खाने में से जो एनर्जी मिलेगी वो प्लांट्स को जहाँ जाना है, जहाँ जरूरत है उसको वहाँ पे मूव करेगा। तो ये जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन जाइलम जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो नीचे से ऊपर ही जाएगा हमेशा। तो दोस्तों जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है, फ्लोएम जो है वो हर एक डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये था जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स भी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाएगा, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रॉ मटेरियल्स,
ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स को मेंशन करो जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है जो एटमॉस्फेयर से मिलेगी, पानी ज़रूरी है जो रेन से या फिर हम डालेंगे सोयल में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेता है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से आएगी और एंटर कहाँ से करेगी, स्टोमेटा से। वाटर, वाटर एब्जॉर्ब, प्लांट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा सोयल से थ्रू रूट्स, रूट्स से अंदर आएगा। सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल से, जैसे ये लीफ है, लीफ के अंदर छोटी छोटी क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है जो क्या करती है, सनलाइट लेती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो ये थे रॉ मटेरियल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हर्बी, उसके बाद आता है दोस्तों व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर। देखो हमारे अंदर इंटेस्टाइन आंतड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं, ये तो हर्बीवोर की इंटेस्टाइन है, ये कार्निवोर की, ये जो प्लांट्स ही खाते हैं, बस प्योर वेजिटेरियन होते हैं, मतलब प्लांट्स ही खाते हैं हर्बीवोर। कार्निवोर जो हमेशा फ्लैश ही खाते हैं, नॉन वेज ही खाते हैं हमेशा, वो कार्निवोर। तो ये कह रहा है कि हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी और कार्निवोर की छोटी ही क्यों होती है। तो दोस्तों देखते हैं ऐसा क्या, ऐसा क्यों है। हर्बीवोर्स जो होते हैं दोस्तों, हर्बीवोर्स के अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेलुलेस, सेलुलेस, ठीक है, वो हर्बीवोर के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्निवोर के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। सेलुलेस क्या करता है दोस्तों, देखो क्या है इस प्लांट्स के अंदर ना, हर्बीवोर क्या करते हैं, हर्बीवोर प्लांट्स पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे, कार्निवोर प्लांट्स पे नहीं खाते। जैसे हिरन है, हिरन क्या करता है, गाय है, काऊ है, काऊ क्या करती है, प्लांट्स पे, ग्रास पे फीड करती है, ग्रास पे। और टाइगर है, टाइगर कभी ग्रास पे फीड नहीं करता। तो जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, प्लांट्स के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको सेलुलोस, सेलुलोस कंपोनेंट होता है प्लांट्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स। जब वो प्लांट्स को खाएंगे तो सेलुलोस को तोड़ना पड़ेगा ताकि डाइजेस्ट हो, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो उसको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेलुलेस, सेलुलेस एंजाइम है। सेलुलेस क्या करेगा, सेलुलोस को तोड़ेगा, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लेना देना। तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेलुलेस है, सेलुलेस को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जितनी ज़्यादा बड़ी इंटेस्टाइन होगी उतना ज़्यादा जो है उतनी आसानी से वो डाइजेस्ट कर पाएगा। इसीलिए हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन जो है वो बहुत बड़ी होती है, ताकि सेलुलोस को सही टाइम मिल जा, पूरा टाइम मिल सके उसको सेलुलोस को तोड़ने के लिए। जैसे कार्निवोर्स के अंदर सेलुलोस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए सेलुलेस की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है। ये रीज़न है वाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर एंड स्मॉलर देन, स्मॉलर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोर स्टेप्स, फोर स्टेप्स की सीक्वेंस बतानी है जो कि प्रिपरेशन ऑफ लीफ की पील। एक लीफ है, लीफ का छिलका ऊपर से थोड़ा सा उतारा और उसको हमने स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी इस लीफ के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक अ हेल्दी लीफ, एक हेल्दी लीफ लेनी है किसी भी प्लांट से, उसका ऊपर से पतला सा छिलका उतार लेना है। कहाँ से, लोअर सरफेस से। लोअर सरफेस से क्यों लिया, अपर की सरफेस से क्यों नहीं लिया, क्योंकि लोअर सरफेस से मैंने बताया कि नीचे की सरफेस पे स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू दिस बाय फोल्डिंग द लीफ। हम ऐसे क्या कर, हम कैसे कर सकते हैं, नीचे की सरफेस से लेना हो तो फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा पील उसका छील कर निकालेंगे और फोर्सेप की मदद से उसको पानी के अंदर डुबो देंगे, किसी छोटे कांच के बाउल के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर। फिर
फिर उसके अंदर क्या करेंगे, सेफ्रेनिन स्टेन की ड्रॉप डालेंगे, कुछ दो तीन ड्रॉप डालेंगे उस वॉच ग्लास के अंदर। स्टेन क्यों डाली, ताकि स्टोमेटा इजीली हम अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप में देख सकें। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेन डालने के 2 से 3 मिनट के बाद उस पील को हम वहां से निकाल के बाउल में से एक ग्लास की स्लाइड आती है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे, रख देंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर रखेंगे फिर उसके ऊपर हमने क्या डालनी है, ग्लिसरीन डालनी है। ग्लिसरीन डालने के बाद उस छिलके के ऊपर ग्लिसरीन डालेंगे और उसको कवर स्लिप से जो है वो कवर कर देंगे। जैसे ही हमने ड्रॉप डाली उसके ऊपर ग्लिसरीन डाली, फिर एक कवर स्लिप आती है पतली सी कांच की, उसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। फिर एक्सेस जो आसपास जो स्टेन फैली होगी उसको हम टिश्यू पेपर से सोक लेंगे, टिश्यू पेपर रख के वो सारा रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे हम माइक्रोस्कोप के अंदर, देखेंगे स्टोमेटा हमें दिखेगा, इस ऐसे स्टोमेटा दिखेगा हमें, ये कई सारे स्टोमेटा दिखेंगे। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है दोस्तों। ये थे हमारे 2015 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।